अस्सलाम वालेकुम नानों के दस्तखान से प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों को काले चने बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार ये काले चने बनते हैं। ये मेरे स्टाइल से बनाते हैं, वैसे तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन मेरे स्टाइल से मैं चने जैसे बनाती हूँ वो आपको सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने ये किया कि रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया नमक हसबे जायका डालकर और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको गला के रख लिया ताकि मैं आपको क्विकली बनाना सिखा दूँ, वरना इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फिर मैंने इसको 1/2 चम्मच सोडा बेकिंग सोडा और मैंने नमक और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल के मैंने इसको गला के रख लिया। ये काले चने हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये प्याज डालूंगी। पैन में मैंने प्याज तेल गरम करने को रख दिया था, अब मैंने इसमें प्याज डाला, फिर मैं प्याज फ्राई करके निकालूंगी और इसके साथ साथ मैं इसमें ये देखिए जैसा तेल इसमें मसाले डालूंगी, 4-6-7 लाल मिर्चें साबित, ये मैं इसके साथ फ्राई करूंगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या करना है और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे ये काले चने बनते हैं। अब देखिए ये प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इस प्याज को मैं ये देखिए इस प्याज को मैंने निकाला है, इसको मैं प्याज में ये ग्राइंडर में डाल ली हूँ क्योंकि मुझे इसे पीसना है। और इस चने के अंदर और कोई मसाला नहीं जाता है, कोई मिर्ची इधर से नहीं जाती, जो मैंने प्याज में फ्राई की है ये मिर्ची ये वही होती हैं, बस ऊपर से कोई मसाला नहीं। अब मैंने इसको ये देखिए, अब ये देखिए मैं प्याज पीसने के लिए जा रही हूँ जिसके अंदर लाल मिर्ची और ये है और ऊपर से कोई मसाला नहीं डलता। सबसे पहले तो मैं अभी चने जो बॉईल किए के रखे थे जिसमें नमक लहसुन अदरक और सोडा डाल के मैंने गला लिया था, जैसे चने को बना लेते हैं इसी तरह से बिल्कुल। अब ये देखिए मैंने चने डाल दिए, अब देखिए मैंने जो मैंने चने बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं मसाला पीसूंगी और इस मसाले के अंदर मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इस मसाले के अंदर ये 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, 2 चम्मच ज़ीरा की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये डाल दूंगी मैं। और 8-10 दाने ये 8-10 दाने काली मिर्चों की डालूंगी, बस इसके अंदर मसाला बस यही डलता है। अब मैं इसे ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको कैसा ग्राइंड किया, बहुत ही बारीक पीसना है और फिर मैं इस चने में डाल के इसको भूनूंगी और 10 से 15 मिनट इसको पकाऊंगी। तो चने ये काले चने जरूर बनाइएगा, बड़े ही ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये काले चने, हमारे ट्रेडिशनल हैं और हम इसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाते हैं, है ये हमारा स्टाइल है। तो ज़रूर बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। अब देखें मैंने काले चने चूल्हे पर रख दिया था जो मैंने बॉईल कर लिया था पहले ताकि मैं जल्दी से आपको बनाना दिखा सकूं। और अब ये देखें मैंने पानी डालकर प्याज जो फ्राई किया था और लाल मिर्चें उसमें ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली थी, बस इसका यही मसाला होता है। लेकिन आप बनाएंगे आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी है। अब 15 मिनट तक मैं इसको इसमें को भून लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस शक्ल में तैयार होता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार और हमारा ये ट्रेडिशनल है और ये हमारा स्टाइल है, हम इस स्टाइल से ये काले चने बनाते हैं। देखिए चने किस तरह से तैयार हुए हैं, मैं बहुत ड्राई नहीं करती हूँ, बस सबके आपके लिए सबसे आसान तरीका मैंने यही बताया। काले चने को बॉईल करके रख लीजिए, अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल के और मीठा सोडा 1 चम्मच डालिए, नमक डालिए, बॉईल करके रखे रहिए। जब आपका खाने को दिल चाहे, आपने मसाला बनाना है,
प्याज को फ्राई करना है, उसमें 5-6 साबित लाल मिर्ची डालनी है, वो फ्राई हो जाए अच्छा तरीके से ब्राउन। तो उसको आपने ग्राइंडर में सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्ची डाल के ग्राइंड कर लिया, मसाला डालिए, मसाला भूनिए और काले चने तैयार है। बेहद ही मज़ेदार, नहायत ही लजीज, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने भुनी हुई कलेजी खा रहे। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिएगा, आइकॉन को क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी प्रेरणा है।